नमस्कार जी, शादी चल रही है शादी चल रही है। अच्छा बताइए, अस्पताल में उसका क्या नाम? अच्छा क्या नाम है? बेटी का बच्चा हुआ था। मुबारक हो, आपको बधाई दी आपको बहुत बहुत। राहुल क्या बेटी है? बेटा कहाँ की शादी? शादी कहाँ की थी? शादी कहाँ की थी? शादी कहाँ की लड़की? शादी तो नहीं थी, बुझना भी होगी। अच्छा अच्छा चाय नहीं पता मुझे। अच्छा है आप चाय? बहुत सारी बहुत सारी पानी बहुत सारी। हाँ बहुत, अब 20-25 चाय हो जाए। ना मेरे अभी तक किसी से बात हुई? देखो क्योंकि जब तो मुझे पता नहीं लगना कि आपका मोटिव क्या है, आप मुझसे क्या चाह रहे हो, तो मैं किसी से क्या बात करूँ? वो मुझसे पूछेंगे मामला बताओ क्या है। कोई बात नहीं बेटे, पानी पिला, पानी थोड़ा देखिए, पता लगे ना कि आपके साथ मतलब क्या चाह रहे हैं। देखो मेरा तो पैर का चल रहा है मामला, मेरा तो अनसर्टेन सा है चुनाव लड़ने का। चुनाव होता है, चुनाव किस बेस होगा? अरे इन पेपर में चुनाव दोबारा होगा कैसे? मतलब गवर्नमेंट होगा। चलो अच्छा, इसके अलावा जो चुनाव होगा दूसरी बात और बताओ। 3-4 कार्रवाई हो रही है आपके खिलाफ। क्या क्या? एक तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा आपके खिलाफ। चलो चुनाव होगा। चलो दो तो ये है, ये सब मतलब ना हो तो मतलब इसके बाद बदले में क्या होगा ये तो बताओ। चलो ये तो आपकी मेरी बात हुई, आप मुझे बता रहे हो सब ठीक है, मुझसे क्या चाह रहा है? मुझे ये मोटिव तो पता लगे थोड़ा सा। मैं उस दिन भी आपसे पूछ रहा था थोड़ा मुझे पता लगे ना उसके, आपके हमारा बीच में तो यहाँ हम बीच में बैठ के बात करें। जैसे मतलब मुझे चुनाव लड़ना नहीं है। अब चुनाव अगर मान लो होगा, बाई इलेक्शन हुआ, आप तो गए बाहर, ठीक, हमें लड़ना था या कोई और लड़ेगा इधर से आगे से, उधर से तो सीधा सीधा सल्लू आना है, आपकी बार सल्लू मिलेगा, ठीक है, समाज पार्टी से, ठीक। तो अब मुझे क्या करना ये बताइए ना, पहले आप अपने लोगों से क्या कंसल्ट करूं? मैंने पता करा दो तीन लोग मेरे खास है, मैंने उनसे पूछा क्या आप ऐसे मतलब आपके पास कागज हैं मेरे खिलाफ, मतलब ये इसको वाला आप बता रहे हैं ऐसे, तो उनका तो पहला सवाल ये था कि वो तुम्हें क्यों बता रहा है, ठीक है नहीं? मोटी सी बात है, आप भी वकील हो, आप बिजनौर जिले का, पूरे जिले का सबसे बड़े वकील हो आप, क्या अगर उनका पास कागज है तुझे क्यों बता रहा है वो? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने पूछा कि सीधा पूछो उनसे, मतलब उनका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं वो? मतलब चलो ये चीज हो गई, चुनाव ना हो, आप मेरे खिलाफ रिट दायर ना करो, ये जैसे लड़ाई चलता रहे, इसके बदले मुझे क्या करना है ये पूछना चाह रहा ना मैं थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको सोचने का प्रश्न दिया था अभी, तो जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा किससे क्या मशवरा करूं? जैसे आप जरूर मैं मशवरा करना करूंगा, क्या मशवरा करूं बताइए? तो क्या मशवरा करूं? किसी उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, ठीक मैंने पूछ लिया इसमें क्या होगा और मुझे क्या करना चाहिए, तुमसे बात करनी चाहिए, उन्होंने पहले देख किया, करता रहा हूँ बात, बताओ बात करता रहा हूँ बात कर रहा हूँ बताओ बात तो आगे बताओ मुझे क्या पता नगर पालिका में क्या है क्या नहीं है, मतलब पैसे की बात है ये क्या है, मतलब पता लगे ना पैसे की बात है ना सीधी सीधी, नगर पालिका में जो प्रॉफिट होगा वो आपको आधा था, नगर पालिका फिर तो दोनों मिलकर चलाएंगे ना, आपको चलानी है मुझे तो साइलेंट रहना है, मतलब चुनाव आप ये चाह रहे हो चुनाव ना हो,
और चुनाव, हाँ मैं तो चुनाव लड़ने की स्थिति में रहने का नहीं ना, जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा कूलेगा पहले जाए तो। अच्छा ऐसे सल्लू बनवाने से भी क्या फायदा होगा, तो आप ही चलते रहो, आप चल रहे हो, आप चलते रहो, आपको क्या दिक्कत आएगी। अब नगर पालिका में क्या सोर्स है तो आपको पता होगा, मुझे तो मालूम है, तो कैसे तय होगा जी, मापदंड कैसे तय होगा, देखिए तो आप बताओगे जी ये मिल रहा है। अच्छा उसके बाद आपका धन मेरा अगले चार साल, चार साल ही तो बचे, ये एक साल का भी, एक साल का भी, अच्छा मतलब पूरे पांच साल, पूरे पांच साल 50-50 रहेगा, मतलब आपका कहना ही है वो, आपकी ईमानदारी की आप बताओगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वरना चुनाव होगा दोबारा, वरना तो जो कुछ कार्रवाई होगी वो होगी होगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा मेरे हिसाब से, आपके साथ को नहीं पता मुझे, मुझे तो एबीसीडी नहीं पता वकालत की, मुकदमा भी लिखा जाएगा, तो एक अनजान जान आदमी उसमें, मुकदमा भी लिखा जाएगा, टर्मिनेशन भी होगा, जेल जाना पड़े न जाना पड़े वो अलग बात है, आपका जब कैरियर इस समय बना वो भी चौपट होगा, हाँ कैरियर भी उठाना पड़ेगी, कैरियर सारा चौपट हो जाएगा, अब तो एक कैरियर आपका बना हुआ एक मुकाम पे है, कल को जब मुकाम आपसे छिनेगा और इस उस पर छिनेगा 420 और चीटिंग पे हुआ सारा काम, रेपुटेशन भी आपकी खराब होगी, जेल भी देखनी पड़ सकती है, पद भी जाएगा, ये सारी चीजें हैं, ये सब आपको आकलन करना है, इसलिए मैंने आपको पेशन दिन छोड़ा था उस दिन, आप उस दिन आपने वो वाली बात नहीं बताई थी ना, अभी आपने खुल कर छोड़ दिया था सोचने के लिए, वहां पर दिया था, ये सवाल करने के लिए जो आपने मुझसे किया ना, अब क्या करना पड़ेगा हम दोनों को, मुझे चौंक करना था तो फिर तो एक वन साइड चल तो कोई बात नहीं, तो बड़ी बात कह दी आपने बहुत ज्यादा, ज्यादा बड़ी बात है, क्यों बड़ी क्या है, बड़ी बात है ये तो मुमकिन नहीं है, तो मेरा सोचना है कि मैं किसी और को चांस दूं या आप पे रहे, मुझे कोई नुकसान तो नहीं कर रहा, कॉल करता हूं भैया, मैं तो बस चाय लूंगा, आधा लोग कुछ मत करना, एक लड्डू तो लिया आधा, जी जी ये ले रहा है, ये वो लिया, हाँ जी वो चिक्की रखी है ना मुर्गी, हाँ रखी है।